गोली चला दी पुलिस के ऊपर। हम लोग भागने जा रहे थे कि फायर करके फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। बहराइच में दुर्गा विसर्जन यात्रा के बाद पैदा हुई हिंसा को लेकर लगातार बवाल मचा है। मामले को भले ही कई दिन बीत गए हों, लेकिन इसको लेकर अब सियासी हिंसा भी शुरू हो चुकी है। घटना को लेकर विपक्षी योगी सरकार और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं इस बीच यूपीएसटीएफ ने घटना में मारे गए गोपाल मिश्रा के करीब 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बताया जा रहा है कि आरोपी रिंकूर सरफराज खान और मोहम्मद तालीम मुठभेड़ में बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, जिसको लेकर यूपी से लेकर हैदराबाद तक से बयानबाजी शुरू हो गई है। मामले को लेकर AIMIM चीफ अफदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है। मामले को लेकर AIMIM चीफ अफदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार को निशाने पर लिया है। ओवैसी ने योगी की ठोक देंगे नीति को लेकर एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। अगर पुलिस के पास इतना सबूत होता तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। वहीं इस मामले को लेकर आखिर बीजेपी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये आदरणीय योगी सरकार का उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी पुलिस प्रशासन काम कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है उत्तर प्रदेश में, और जो भी लोग कानून हाथ में लेंगे और अपराध करेंगे उनको लेकर कार्रवाई पुलिस करती है और करती रहेगी और करती आई है पीछे भी। लेकिन हमारी एक चीज समझ में नहीं आती है कि ये हमारे विपक्ष के साथी क्या चाहते हैं, क्या मतलब जंगल राज जो आपने चलाया था वैसा देखना चाहते हैं, अपराधियों को महिमा मंडन करना चाहते हैं या अपराधियों को बचाना चाहते हैं। अरे भाई, पुलिस प्रशासन हम सबके लिए है, प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस अपराधियों के साथ में एनकाउंटर भी करती है, अपराधियों को पकड़ के जेल भी भेजती है, जिससे हमारे व्यापारी, हमारी माताएं बहने, आम आदमी सुरक्षित रहे, उसके अंदर कोई भय का माहौल ना रहे। लेकिन बार बार जब इस तरह की कोई चीजें आती हैं, हमारा पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करता है तो उसके ऊपर फौरन विपक्ष के लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये इस तरह की राजनीति आपको सूट करती होगी, हमें नहीं सूट करती है। हम तो लोगों को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में, ये एक रोल मॉडल बन गई है सरकार पूरे देश के अंदर। आप उठाकर देख लीजिए जो जो काम उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने किए हैं, हर राज्य चाहता है और हर राज्य के लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसी कानून व्यवस्था होना चाहिए। तो इसलिए इस पर ऐसे प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए। गोली चला दी पुलिस के ऊपर। सर, हम लोग भागने जा रहे थे कि फायर करके निकल जाएंगे। फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर।